अज असीं हजारां दी गिणती च मजदूर गिरफ्तारियां देण वास्ते आए हैं, जिहदा मुद्दा मुख आ जिथे ऑल इंडिया लैवल ते ठेकेदारी सिस्टम जां दूसरा सब नूं वर्निंग इशू आ भी पंजाब बर्बाद कर दिता रेते ते बजरी दी काला बाजारी ने, पंजाब बर्बाद कर दिता ठेके नशे की तस्करी ने। अज असीं देख रहे हैं भी रेता बजरी जिहड़ा 5-6 रुपये फुट मिलता सी अज वो 30 रुपये फुट 40 रुपये फुट मिल रहा जिहड़ा फ्री आउंदा, और साडा पक्का यह सरकार ते निशाना भी यह सारा कुछ सरकार करा रही है। इत्थे दे मंत्री इत्थे दे MLA इत्थे दी माइनिंग डिपार्टमेंट मिल के पूल करते ने, रॉयल्टी दीआं कीमतां उच्चियां चकतियां ते 10 गड्डियां रॉयल्टी च कढ़दे ने ते 90 गड्डियां ने जिहड़ियां उह रात नूं धक्के दे नाल जिहनूं गुंडा टैक्स कहिंदे आ उहदे मुताबक कर रहे ने, जिहदे करके अज 3000 पट्ठा पंजाब दा लगभग बंद, 4 लाख मजदूर बेरोजगार भुखमरी के शिकार ते इहदा असर जिहड़ी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ उहदे ते पै रहा, 12 लाख मजदूर आ जिहड़ा सीधे जां सीधे तंगने च इनवॉल्व आ उहदा कम गया, बिल्डिंग मटीरियल का काम आ जिहड़ा उह बड़ा मंदा पिया होया, ट्रांसपोर्ट आ JCB मशीनां ने लोगों ने करजे ते लईआं करजा चढ़ रहा, लोग भुखमरी के शिकार ते रोम सड़ रहा ते नीरो बंसर बजा रहा। बादल साहब हुण इलैक्शनां की गल करते भी राजनीति सेवा तो ये पैसा बना रहे हैं तो लोग भुखमरी के शिकार। असी 5 दिन पहला भी इतने दिन रात का धरना दिता, वो 24 तरीक नूं असी कह के गए भी जे ना हल होया तो असी 20 नूं गिरफ्तारियां देवांगे, अज असी गिरफ्तारियां देने वास्ते बैठे हैं इतने, असी सरकार नूं कहा भी सानूं गिरफ्तार करो, नहीं गिरफ्तार करते तो असी इतने बैठे हैं, इतने फिर लंगर पानी चलूगा और लाजमी तौर पर इन आखिरी तक असी हल कराने तक मतलब जावांगे। और जिहड़ियां चोणां आ रही ने भावें राजनीतिक मंच नहीं है, चोणां दे विच असीं इन्हां दा दिल्ली वालों का भी तो पंजाब वालों का पर्दा फाश करांगे और जनता नूं खड़े करके कर करते इन्हां तों हिसाब मंगांगे। सो असीं हुणे मिल के आए हां ID साहब नूं, उह कहिंदे जी साडी गलबात कर रही है सरकार नाल वी गलबात कराउंदे आ, उन्हां दा प्रतिकरम 5 मिंट च आउंदा, उदू बाद असीं अगले एक्शन का ऐलान करांगे।